कैंसर की जर्नी एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ है, स्पेशली कीमोथेरेपी का टाइम। आइए बात करते हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जो हमारी कीमोथेरेपी की जर्नी को आसान बना सकते हैं। देखिए, कभी भी जब कैंसर का के लक्षण आते हैं तो उसका पहले तो डायग्नोसिस बनता है कि किस प्रकार का कैंसर है, जो बायोप्सी के द्वारा पता चलता है, और दूसरा हमें ये पता करना होता है कि किस स्टेज का कैंसर है, कहाँ तक फैला हुआ है, जो हमें एक इमेजिंग या स्कैन के द्वारा पता चलता है। एक बार हमारा डायग्नोसिस और स्टेजिंग इस्टेब्लिश हो गई, उसके बाद आप ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलकर अपना डिटेल प्लान समझिए। उस प्लान में सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी या ओरल थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, जिस भी प्रकार की थेरेपी है उसका इंटीग्रेशन होता है। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली कीमोथेरेपी की जर्नी के बारे में, कि कुछ टिप्स जिससे ये जर्नी हमारी थोड़ी सी बेटर हो सकती है। कीमोथेरेपी का प्लान डिटेल में अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस करिए कि भाई कितनी साइकिल्स है, कितने ड्यूरेशन की साइकिल्स है, क्या गैप है एक साइकिल और दूसरी गैप के बीच में। ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने के बाद ये पता करिए कि आपकी कीमोथेरेपी में डे केयर का एडमिशन है या आईपीडी ओवरनाइट एडमिशन रिक्वायर्ड है। मोस्टली कीमोथेरेपी में डे केयर एडमिशन ही होता है। एक पर्टिकुलर डे आपको चूज करना है कीमोथेरेपी स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आपकी जो भी नेक्स्ट साइकिल है वो उसी पर्टिकुलर डे पे होगी। प्लस आपको अपना वर्क भी बैलेंस करना है। अगर आप कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है या आप कीमोथेरेपी के दौरान काम कर सकते हैं, इसका डिस्कशन भी आप पहले अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से कर लीजिए। क्योंकि कुछ कीमोथेरेपी रेजिमेंट्स होते हैं जिसमें हॉस्पिटल में ही रहना होता है, कुछ में इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा होता है, तो उसमें आपको क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। कुछ कीमोथेरेपी ऐसी होती है कि आपकी 2 से 3 घंटे या ज़्यादा एक दिन में आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो जिसमें आप 2-3 दिन के रेस्ट के बाद अपना काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने वर्क रिलेटेड आपको कैसे मैनेज करना है वो ज़रूर डिस्कस कर लीजिए, क्योंकि ये डिसीजन आपको अपफ्रंट लेना है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हमेशा मिस हो जाती है, स्पेशली यंग पेशेंट्स के लिए, फर्टिलिटी प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यंग हैं और आपको अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है, तो उसकी काउंसलिंग और इन दवाइयों से फर्टिलिटी पर क्या असर पड़ता है ये भी आपको डिस्कस करना चाहिए। काफ़ी अच्छे फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन ऑप्शन आ गए, ताकि कीमोथेरेपी होने के बाद आप अपनी फैमिली रिज्यूम कर सकते हैं, जिसमें होता है एग क्रायो प्रिजर्वेशन, स्पर्म प्रिजर्वेशन। तो ये सारे ऑप्शन ज़रूर डिस्कस करिए। कीमो जब स्टार्ट करें तो आप कोशिश करिए कि उस दिन थोड़ा जल्दी आइए। कीमो वाले दिन आपको, अगर आप थोड़ा जल्दी आ जाते हैं तो आप लोगों के लिए आसानी है, क्योंकि आपके टेस्ट सारे देख सकते हैं एंड टाइमली ट्रीटमेंट शुरू हो सकती है। किसी भी कीमोथेरेपी को शुरू करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, जैसे बेसिक ब्लड टेस्ट, लिवर और किडनी टेस्ट, साथ में हार्ट की जांच होती है, कार्डियक इवैल्यूएशन होता है, 2D इको ECG। तो ये सारे टेस्ट आपके ऑन्कोलॉजिस्ट आपको पहले बता देंगे। तो जिस दिन आप थेरेपी के लिए आ रहे हैं, आप वो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स अपने इन्वेस्टिगेशन ज़रूर लाइए, क्योंकि उसे देख कर ही आपको कीमोथेरेपी के लिए फिटनेस मिलती है। कीमोथेरेपी से जो हाथ की नसें हैं वो जलती है, स्किन में इरिटेशन होती है, एक्स्ट्राविजेशन, डिसकलरेशन, नमनेस, और काफ़ी पेनफुल भी हो जाता है बार बार रिपीटेड कैन्यूलेशन से। तो एक बार ज़रूर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए। ऑन्कोलॉजिस्ट खुद ही बताते हैं, आजकल बहुत अच्छे मेथड्स आ गए हैं, कीमोपोर्ट या पिक लाइन, जिसके द्वारा कीमोथेरेपी पेनलेस और बहुत ही आसान हो जाती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस दिन आपको कीमोथेरेपी के लिए आना है, एक अच्छी स्लीप लेकर ज़रूर आइए। एक गुड स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी एन्जाइटी कम होती है, आपका माइंड फ्रेश रहता है, एंड आप भी समझ सकते हैं कि किस तरह का प्रोसीजर उस दिन हो रहा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हाइड्रेटेड रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ये भी है कि हमारी जो वेन्स होती है कोलैप्स हो जाती है अगर हम डिहाइड्रेटेड है, तो कैन्यूला डालने के लिए वेन मिलना मुश्किल हो जाता है। तो जितना आप हाइड्रेटेड हैं उतना आपको
इसमें कैन्यूलेशन ईजी होता है, लेस पेनफुल होता है, रिपीटेड कैन्यूलेशन से आप बचते हैं। मोर ओवर कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे उल्टी होना, पेट दर्द, लूज मोशन, मुंह में छाले होना, जिसकी वजह से आप उतना एडिक्वेट खाना नहीं खा पाते, डिहाइड्रेटेड रहते हैं। तो अगर आपका वाटर इनटेक बहुत अच्छा है, अगर आप वेल हाइड्रेटेड है, तो आप इन सारी प्रॉब्लम्स या काफ़ी साइड इफेक्ट्स भी आपके कम हो सकते हैं। वेल हाइड्रेटेड का ये मतलब है कि 3 से 4 लीटर पानी पीना है, चाहे फिर आप पानी ले लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए, डिटॉक्स वाटर ले लीजिए, टी ले लीजिए, जिंजर कोई ग्रीन टी ले ली, या आपने कोकोनट वाटर ले लिया, बटर मिल्क ले लिया, लस्सी ले ली, बट मिल मिलाकर अपना वाटर इनटेक अच्छा रखिए। लाइट ब्रेकफास्ट करिए कीमोथेरेपी जिस दिन आपकी स्टार्ट हो रही है, जब भी आप कीमोथेरेपी के लिए आते हैं, क्योंकि अगर आप ब्रेकफास्ट करके आएंगे तो आप एनर्जेटिक फील करेंगे। अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो आपको थोड़ा सा लैक ऑफ एनर्जी लगेगा। सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप हैवी खाकर आते हैं, अगर आप हैवी ब्रेकफास्ट लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक तो भारीपन रहता है, प्लस कीमोथेरेपी के दौरान थोड़ा उल्टी जैसा लगता है, नॉजिएटिंग लगता है, और वॉमिटिंग के भी चांसेस है। तो लाइट ब्रेकफास्ट करिए। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि एक अपना बैग प्रिपेयर कर लीजिए, कीमोथेरेपी बैग, कि जब भी आपको कीमोथेरेपी के लिए आना है तो उस वो बैग लेकर आ सकते हैं। उस बैग में आप अपने जो भी इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है, इन्वेस्टिगेशंस है, वो लेकर आ सकते हैं। फिर एक मास्क ले आइए, हैंड सैनिटाइजर ले आइए। कीमोथेरेपी के दौरान अगर कोई किताब पढ़ना चाहते हैं, बुक, नॉवल, या एयरपॉड्स लेना चाहते हैं, एयरपॉड्स ले लीजिए, या आपकी कुछ मेडिसिंस है जो आप पहले से ले रहे हैं वो रख लीजिए, और भी कुछ डिस्चार्ज मेडिसिंस है वो भी ला सकते हैं, प्लस जो भी कुछ स्नैक्स के लिए आपको लाना है, लाइट हल्का फुल्का, वो भी आप ला सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक वाटर बॉटल ज़रूर रखिए ताकि आप दिन भर हाइड्रेटेड रहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि प्लीज़ कोशिश करिए कि किसी एक केयर टेकर को अपने साथ ले आए, क्योंकि कीमोथेरेपी के दौरान प्लस कुछ हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, आपको अकंपनी करना होता है, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ काम होता है, तो अगर केयर टेकर आता है तो थोड़ा इजी हो जाता है समझाना, प्लस आपके लिए आपको कोई अकंपनी कर सकता है घर तक। अब कुछ मेडिसिन होती है, जैसे कुछ पेशेंट्स को पहले से ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायरॉयड है, तो ये सारी मेडिकेशन आपके ऑन्कोलॉजिस्ट आपको पहले ही बता देंगे कि ये सारी मेडिसिन आपको कीमो के दौरान भी कंटिन्यू रखनी है। तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखिए और उन मेडिसिन को कंटिन्यू रखिए, पहले डिस्कस कर लीजिए ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ। डेंटल चेकअप थोड़ा कीमोथेरेपी से पहले करा लीजिए, क्योंकि जो रूट कैनाल फिलिंग है या डेंटल प्रोसीजर है, वो कीमोथेरेपी के दौरान यूजुअली हम अवॉइड करते हैं। अब जब कीमोथेरेपी आपकी हो जाती है तो उसके बाद आपको एक डिस्चार्ज कार्ड मिलता है या डिस्चार्ज समरी मिलती है, उसमें सारी मेडिसिन होती है। कुछ मेडिसिन होती है जो रेगुलरली लेनी है, कुछ मेडिसिन है जो 2 या 3 दिन लेनी है नौजिया वॉमिटिंग के लिए, और कुछ मेडिसिन का चार्ट बनता है जो SOS बेसिस पर है। SOS बेसिस का मतलब यह है कि अगर आपको पेट दर्द है तो आपको ये मेडिसिन लेनी है, आपको मुंह में छाले हैं तो ये मेडिसिन लेनी है, उसका एक चार्ट होता है। तो ये चार्ट को ध्यान में रखिए और कोशिश करिए कि जब भी आप ट्रैवल करें तो आपके पास ये मेडिसिन पड़ी होनी चाहिए अपने बैग में, सो दैट कभी भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। तो इसका ज़रूर ध्यान रखिए। कीमो ख़त्म होने के बाद कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका माइंड प्रिपेयर होना चाहिए इन साइड इफ़ेक्ट्स के लिए, और आपको रेमेडीज़ भी पता होनी चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि क्या एक्सपेक्टेड साइड इफ़ेक्ट है, कब तक आएंगे। और कीमो के बाद, ये तो हमने बात की कि भाई कीमो से पहले हमें क्या क्या तैयारी करनी है, कीमो के बाद भी कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। क्या प्रिकॉशंस होते हैं कीमो के बाद, किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।